फेज सेवन का इंटरवल आज कंप्लीट हो गया, उसमें राजमार्ग में एक कैंडिडेट अपने नामिनेशन का विड्रॉ किया, अभी वहां पर राजमार्ग में 14 कैंडिडेट है। दुमका में कोई नामिनेशन वापस नहीं किया, अभी उसमें 19 कैंडिडेट है। गोड्डा में दो कैंडिडेट अपने नामिनेशन का वापस किए, अभी वहां पर भी 19 कैंडिडेट है। इसके साथ में हम लोगों का इसी लोकसभा इलेक्शन का कितना नामिनेशन प्रोसेस है सभी फेसेस को कंप्लीट हो चुका है। अभी पहले भी एक बार बात हुई थी, वो झारखंड में कितना कैंडिडेट का संख्या बढ़ते जा रही है कैसे करके, 2014 में 240 कैंडिडेट था, वो 2019 में वो कट के 229 था, अभी बढ़ के 244 कैंडिडेट हुआ। 2024 में एक ही है हम लोग, पहले बार हम लोग एक ट्रांसजेंडर कैंडिडेट भी अपने नॉमिनेशन फाइल किया धनबाद में, अभी तक उसमें हम लोग 2024 में 212 मेल है, 31 फीमेल है, एक ट्रांसजेंडर है, मिलाकर 244 है अभी आपका 2024 में टोटल कैंडिडेट में। आपका सीसर का संबंध में अभी इसी बार आज कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं, बेसिकली एक करेक्शन हुआ, मतलब एक दो सीसर के एक ही दोनों का अलग अलग एजेंसी कर लिए थे, इसलिए अभी सीसर में ऑलमोस्ट सेम है, केवल -15 लगकर वो डेटा करेक्शन है, इससे ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं। बूथों पर अभी सभी जिला पर फेज 5 फेज 6 फेज 7 में वोटिंग का स्पीड क्या करवाने के लिए सभी जगह पर कार्रवाई किया जा रहा है। बूथ में अपने मतदान सेवा दिया जाएगी, उसका वोटर का टर्नआउट का स्पीड का कारण के लिए ताकि वो लाइन कम हो, उसका संबंध में सभी जो आने वाला फेसेस में कार्रवाई किया जा रही है उसको, ताकि उनका लाइन में इंतजार करने वाला समय कम होगा, उनका जल्दी वोट करके उनका जा सकते उसके लेकर। इसमें क्या क्या व्यवस्था किया जाए थोड़ा सा मैं आपका ब्रीफ बता दें। उसमें आपका प्रत्येक कहाँ पर 1200 के ऊपर वोटर है वहाँ पर रिजर्व से एक पोलिंग पार्टी का दिया जा रहा है, वो खास तरफ से वो P2 में वो मदद करेंगे उस तरफ से। कहाँ पर भी अन्य जगह पर भी कितना रिजर्व पोलिंग पार्टी हम लोग रिजर्व में रखता है 10% 20%, उनका भी दूसरा बूथ में करके हम लोग उसका पोलिंग का मदद करने के लिए कराया जा रहा है। अभी प्रत्येक एट अ टाइम बूथ का अंदर 3 वोटर का रहने के लिए अलाउ कर रहे हैं, ताकि P1 एक आदमी का सर्विस करेंगे तो P2 दूसरा वोटर का सर्विस करेंगे, P3 वो तीसरा वोटर का सर्विस करके उनका वोटिंग प्रोसेस करके तो स्पीड बढ़ाने के लिए हम लोग उनका कार्रवाई किया जा रहा है। उसमें कहां पर भी एक एक जहां से हम लोग मॉनिटरिंग करेंगे, तो आपका प्रथम 2 घंटा में कितना वोट हुआ एब्सोल्यूट नंबर में, मतलब कितना संख्या में किया, उसका स्पीड समय सही है गलत है उसका देखा जा रहा है, वो कहां पर उसी तरफ से वो कमी होगी उसका दूर करने के लिए इस बार करने की बात किया जा रहा है। वोटर से मेरे को एक ही अनुरोध है, आप बूथ आइए अच्छा लगेंगे, उसमें आपका एक ही करना है, आपका वो सीरियल नंबर का नोट कर करेंगे, अभी वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप मिल जा रही है उसका वो सीरियल नंबर देंगे, मतलब तुरंत वो P1 अपने नाम कहाँ है वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे, उसी आधार पर उन्हीं का वो मार्क करने के लिए उस तरफ से P2 में जाएंगे, वहां पर भी वो जल्दी वो अपने मार्क कर पाएंगे, इसलिए आपका मतदाता सूची में सीरियल नंबर वो आवश्यकता है, वो जल्दी देंगे मतलब उनका सेवा जल्दी हो सकता है, इसलिए क्या वो सभी वोटर्स से अनुरोध है आपका अपने मतदाता पर्ची में वो सीरियल नंबर होगा उसका नोट करके रखें, ताकि वहाँ पर उनका आपका नाम का ढूंढने के लिए समय कम हो। साथ ही साथ उसमें ये भी अनुरोध है, अभी कैंडिडेट उनके आपके पास वो BAS का वो पर्ची नहीं है तो उसका ये भी लेके जाएंगे आपका वोटर हेल्पलाइन ऐप है, उसमें आप वोटर हेल्पलाइन ऐप में आप आइडेंटिफाई कर लें, उसके माध्यम से भी आपका सीरियल नंबर क्या है, वो सीरियल नंबर एक एक समय पर वो चेंज होते रहते हैं, नया वोटर ऐड होने के कारण पुराना वोटर डिलीट होने के कारण ये पिक नंबर चेंज नहीं होगा, वो सीरियल नंबर चेंज होगा, इसलिए उसका नोट करते रखेंगे, वो उसका वो P1 P2 है वो आपका नाम का तुरंत सर्च करके उस समीक्षा लेने के लिए वो सावधानी होगा, मतलब अच्छा मतलब स्वागत होगा उसके कारण वो स्पीड भी बढ़ेगी वोटिंग करवाने के लिए। इसलिए इस बार हम लोग उसका थोड़ा सा फर्स्ट फोर्थ फेज 4 में थोड़ा सा शिकायत है स्लो वोटिंग हो रही है करके, उसका स्पीड बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है, इसलिए मैन पावर भी दिया जा रहा है वहाँ पर वो 3 दिन उस तरफ से हम लोग का सभी पोलिंग पार्टी का एक राउंड ट्रेनिंग हो चुका है, अभी डिस्पैच का दिन में भी सभी पोलिंग पार्टी का इसका ट्रेनिंग दिया जाएगी, उनका सेंसिटाइज किया जाएगी ताकि जल्दी से जल्दी वोटिंग का वो वोटर से भी अनुरोध है आप थोड़ा सा सीरियल नंबर नोट करके रखें, नहीं मतलब उसका आपका वो वोटर हेल्पलाइन मिल जाती है, मतदाता पर्ची में भी मिल जाती है, उसके बाद हम लोग BA को भी बता रहे हैं आपका बूथ कराने के समय में सीरियल नंबर का नोट करके उनके पास एक पूछा दें, ताकि उनका वोटिंग प्रोसेस
जल्दी बढ़ सकते हैं ताकि जल्दी जल्दी वोट करके उनका नंबरों का क्यू है कतार वो लंबा हो जा रही है उसका कम करके उनका वो टर्नआउट समय है वो कम कर सकते हैं।